देख रहे हैं दखल न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मोदी का रुतबा, अब स्वच्छता अभियान के लिए होगा अमेरिका में सम्मान। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उड़ाया मिग, नए लुक में नजर आया अभिनंदन। ग्वालियर का ऐतिहासिक दुर्ग अब एयर इंडिया की फ्लाइट का हिस्सा बना, जहाज की टेल पर मानसिंह। मध्य प्रदेश में पर्दे के पीछे सरकार चला रहे दिग्विजय सिंह, वन मंत्री उमंग सिंघार का दावा। और दिग्विजय के बयान पर जारी है विवाद, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं दिग्विजय। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा बढ़ता जा रहा है। मोदी को अमेरिका में मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पुरस्कार मिला है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी को अमेरिका में पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि एक और पुरस्कार हर भारतीय के लिए गर्व का और एक क्षण है, क्योंकि पीएम मोदी की मेहनत और अभिनव पहल की वजह से दुनिया भर से तारीफ मिलती है। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हुई है। जिस तरह मोदी ने आम जनमानस को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, उससे पूरी दुनिया उनकी मुरीद हुई है। एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने आज पठानकोट एयरबेस से मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाया। इस दौरान अभिनंदन नए लुक में नजर आए और जोश में दिखाई दिए। खबर है कि जल्द बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय अभिनंदन पर फिल्म बनाएंगे। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ आज मिग 21 में उड़ान भरी। बालकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान फाइटर जेट्स द्वारा भारत की सीमा में घुसने की कोशिश के बाद मिग 21 की मदद से अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वह इंजेक्ट होकर नीचे पीएको में लैंड हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। अभिनंदन की रिहाई के बाद कई मेडिकल टेस्ट हुए। हाल में ही उन्हें फिर से लड़ाकू विमान उड़ाने की परमिशन मिली। पाकिस्तान के चंगुल से निकलने और बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले अभिनंदन को सरकार से वीर चक्र मिला है। अब बॉलीवुड ने भारतीय जवानों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक फिल्म बनाने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय को फिल्म बनाने की अनुमति मिली है। ग्वालियर का ऐतिहासिक दुर्ग अब एयर इंडिया की फ्लाइट का हिस्सा बन गया है। जहाज के टेल पोर्शन में ग्वालियर किले के मानसिंह पैलेस को जगह दी गई है। अब यह दुर्ग विश्व की हर उस जगह पर जाएगा जहां एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है। ग्वालियर का किला और उसकी पहचान राजा मान सिंह का महल मान मंदिर अब हवा में उड़ता नजर आएगा। एयर इंडिया ने इसे अपने टेल पोर्शन पर जगह दी है। टूरिज्म कंपनी के मैनेजर पुनीत द्विवेदी ने बताया कि एयर इंडिया ने दिल्ली का लाल किला और ग्वालियर दुर्ग के मान सिंह पैलेस को चुना है एयर इंडिया की फ्लाइट की टेल पोर्शन पर। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल लिए हैं, लेकिन किले केवल दो ही हैं। ग्वालियर किला हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र रहा है। किले का मुख्य आकर्षण महाराजा मान सिंह महल को देखने के लिए हर वर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। ग्वालियर दुर्ग का मान सिंह महल पूरी दुनिया में अपनी दुर्लभ बनावट के लिए प्रसिद्ध है। एयर इंडिया के इस टेल डिजाइन में आने के बाद कई देश मान सिंह महल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। राजा मान सिंह तोमर ने 1486 में 1516 के बीच महल का निर्माण करवाया था। इसकी बाहरी दीवारों पर पीले बतख, नीले पीले और हरे रंग के हाथी, बाघ और मगरमच्छ जैसे पक्षी की गई है। एयर इंडिया ने अपने अपने एयरक्राफ्ट पर ग्वालियर के दुर्ग सहित देश की ऐतिहासिक धरोहरों को स्थान देकर इन्हें दुनिया भर में प्रचारित करने का अनोखा प्रयोग किया है। इससे ग्वालियर सहित देश का गौरव दुनिया भर में बढ़ेगा।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही यह कहा जाता है कि कमलनाथ कहने को तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सुपर सीएम है। पर्दे के पीछे से पूरी सरकार दिग्विजय सिंह ही चलाते हैं। अब सूबे के वन मंत्री उमंग सिंघार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं या फिर कमलनाथ दिग्विजय सिंह के रबर स्टैंप हैं? क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में सुपर सीएम है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब राजनीति करने वाले पिछले 8 महीने से तलाश रहे हैं। कुछ लोगों ने दिग्विजय सिंह से भी ये सवाल किए तो वे इसे काल्पनिक प्रश्न बताकर टाल गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कभी ये बताना उचित भी नहीं समझा कि दिग्विजय सिंह का उनकी सरकार में क्या रोल है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि मेरे बताए कामों का क्या हुआ। दिग्विजय ने मंत्रियों से इस पर चर्चा करना चाहिए। इसके बाद दबी जुबान में कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई और कुछ मंत्रियों ने खुलकर कहा कि जब पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह खुद सरकार चला रहे हैं तो उन्हें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहूंगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, सबको पता है। प्रदेश की जनता जानती, कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं, उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब सरकार ही चला रहे हैं तो चिट्ठी की आवश्यकता क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह के पत्र पर सिंधिया समर्थक वन मंत्री उमंग सिंघार के पलटवार किया है। सूत्र बताते हैं कि सिंघार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की शिकायत भी की है। इधर सिंह के पत्र पर कमलनाथ सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने उन्हें जवाब भेज दिया है, तो कुछ ने व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात भी की है। बताते हैं मंत्रियों ने ऐसा कमलनाथ के कहने पर ही किया है। दिग्विजय के सामने भले ही मंत्री कुछ न बोले, लेकिन अधिकांश मंत्री दिग्विजय सिंह की चिट्ठी से नाखुश हैं। ऐसे ही 3 मंत्रियों ने इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। कुछ मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर आपत्ति जाहिर की और मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इससे अवगत करवाया। कुछ मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह की चिट्ठी से हाईकमान को भी अवगत करवा दिया। यही खबर है कि 3 मंत्रियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर भी दिग्विजय सिंह की शिकायत की है। उन्हें भेजे पत्र में एक मंत्री ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार को अस्थिर कर खुद को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बजरंग दल और भाजपा पर ISI से पैसा लेने वाले बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय का बयान उनके दिमाग में दिवालियापन की निशानी है। दिग्विजय पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनको पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाजपा और बजरंग दल पर ISI से पैसा लेने वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की वे बयानबाजी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की भाषा पाकिस्तानी परस्त लोग भी बोलते हैं। भार्गव ने दिग्विजय सिंह को सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान में इतना ही प्रेम है तो वह पाकिस्तान चले जाएं और वही मकान बना कर रहे। मैं दिग्विजय सिंह जी को अब सलाह दूंगा कि यदि उन्हें पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान में एक वो मकान लेकर वहीं पर रहने लगे। अब वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़ दें, उनकी मानसिकता यही दर्शाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा उनको कि उनके इन वक्तव्यों के कारण धीरे धीरे कांग्रेस अभी 44 पे है, अब 4 सीटों पर बचेगी देश में, यह भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और बजरंग दल के बारे में दिग्विजय सिंह का वक्तव्य उनका दिमागी दिवालियापन जाहिर करता है। पता नहीं दिग्विजय सिंह जी को क्या हो गया है, धीरे धीरे उनका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय कभी शहीदों की शहादत का अपमान तो कभी सैन्य कार्रवाई पर उंगली उठाकर सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह वे बयानबाजी करते हैं उससे लोकसभा में मिली कांग्रेस को 54 सीटें आगे समय में सिर्फ 4 पर आकर ही लटक जाएंगी। कांग्रेस की दयनीय हालत की जिम्मेदार दिग्विजय सिंह की बयानबाजी है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि 2% TDS लगाने के फैसले के बाद व्यापारी किसानों को नगद भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सचिन यादव ने मंत्री उमंग सिंघार के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दिए बयान पर कहा कि बयान को गलत तरीके से लिया गया है।
कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि केंद्र ने जो 1 करोड़ की निकासी पर 2% का TDS लगाने का निर्णय किया है, उससे व्यापारी और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी किसानों को नगद भुगतान नहीं दे पा रहा है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस निर्णय को पुनः विचार करने का आग्रह किया जाएगा। कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि सरकार में आने के बाद सरकार ने किसानों को नगद भुगतान का वादा किया था, लेकिन केंद्र ने इस फैसले के बाद नगद भुगतान में परेशानी आ रही है। साथ ही केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि जल्द बजट दिया जाए, जिससे योजना का लाभ किसानों और जनता को मिल सके। 1 सितंबर से केंद्र सरकार का जो नियम आया है, जिसमें 1 करोड़ से साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा की नगद निकासी पर 2% TDS लगेगा, इसके कारण हमारे व्यापारी साथी भी परेशान हो रहे हैं और हमारे उसका प्रभाव हमारे किसान साथियों के ऊपर भी पड़ेगा। सचिन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि शिवराज सिंह किसानों को गुमराह कर रहे हैं। शिवराज जिस खेत में हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उसी खेत का मुआवजा नहीं देते थे। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के बाद खराब हुई फसलों को सरकार राहत देगी। खराब हुई फसलों को लेकर सर्वे का काम किया जा रहा है। उमंग सिंगार के दिग्विजय सिंह के पर्दे के पीछे से सरकार चलाने के बयान पर सचिन यादव ने कहा कि उमंग सिंगार के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। दिग्विजय सिंह सीनियर और अनुभवी नेता हैं, पार्टी में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। पूर्व में 15 साल तक उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति करने का काम किया, राजनीतिक रोटी सीखने का काम किया। वो जिस हेलीकॉप्टर से जिस किसान के खेत में उतरते थे, उस किसान को बेचारे को मुआवजा नहीं मिलता था। ये स्थिति जो है पूर्व की सरकार में रहती थी। हमारी सरकार दिखावा नहीं करती, हमारी सरकार काम करने में विश्वास करती है। जैसे हमारे संज्ञान में आया कि हमारे किसानों की अतिवृष्टि के कारण, इल्ली के प्रकोप के कारण हमारे किसानों की फसल नुकसानी हुई है, हमने तत्काल आदेश जारी किया। सभी कलेक्टरों के मार्गदर्शन में हमारे कृषि विभाग की और हमारे राजस्व विभाग की टीम गठित हुई है और वो लगातार किसानों के बीच में जाकर के, खेत में जाकर के हमारे किसानों की जो फसल नुकसानी हुई है, उसकी आकलन करने का काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश है वो केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। लगातार हमने पत्रचार भी किया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। हम केंद्र से निवेदन करेंगे कि हमारे प्रदेश के हिस्से की राशि को जो है वो तुरंत दें, ताकि हम हमारे किसान साथियों को और हमारे प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ दे सकें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बजरंग दल और भाजपा पर ISI से पैसा लेकर जासूसी करने वाले बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा बजरंग दल और भाजपा पर ISI से पैसा लेकर जासूसी करने वाले दिए बयान को लेकर रीवा में हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया। इससे पहले शहर में अर्थी निकालकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिग्विजय बताया उनके पास पैसा कहाँ से आता है। दिग्विजय ओसामा और आतंकवादियों को जी कहकर पुकारते हैं और उनके कार्यकाल में ही आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार रही, दिग्विजय सिंह की सरकार में सिमी जैसे आतंकवादी इस मध्य प्रदेश में पनाह लिए, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को ओसामा जी का संबोधन करते रहे, दिग्विजय जी मीडिया में बने रहने के लिए, अपना नाम आगे लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। अगर वो अपनी बात को नहीं गलती स्वीकार करते तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा और आगे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी योजनाएं बनेंगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। और दूसरा विषय जो उन्होंने कहा पैसा, पैसा हम लोग समाज से लेकर समाज के लिए समाज के ही काम करते हैं। पहले तो दिग्विजय सिंह हिसाब दें कि उनके पास कहाँ से पैसा आया। दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना करते हुए बजरंग दल ने कहा कि उनको आईना दिखाने के लिए उनका पुतला दहन किया गया है। बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दिग्विजय अपनी जवान पर संयम नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बजरंग दल ने हमेशा राष्ट्रहित और धर्म के लिए कार्य किया है। अभी दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल का जो अपमान किया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बजरंग दल जो है वो पैसे की व्यवस्था ISI जैसे आतंकवादी संगठन से करती है, जिसकी हम लोग जितनी भी आलोचना करें उतनी कम है, उसी के विरोध में और उनको थोड़ा सा आईना दिखाने के लिए ये सब किया गया है, उनका पुतला दहन किया गया है। और ये एक सांकेतिक दरअसल विरोध है उनका। अगर वो अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो फिर बजरंग दल कुछ और सोचेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक पति ने अपनी पत्नी को घर से महज इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। घटना छतरपुर की है। पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले बेटा न पैदा होने से उसे लगातार पीटते हैं और प्रताड़ित करते रहते हैं। पत्नी ने एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पीड़िता की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करवाई और शिवराज सिंह ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया और अधिकारियों से इस बारे में बात की। इसके बाद स्थानीय बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के दबाव के चलते पीड़िता के ससुराल वाले उसे घर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटी है तो कल है, ये स्लोगन आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। छतरपुर में सीता को बेटी होने पर उसके पति ने मानवता की सारी हदें पार कर घर से बाहर निकाल दिया। न्याय की आस लिए फूट फूट कर रोती सीता ने एसपी ऑफिस के बाहर अपनी और अपनी बेटियों की दुर्दशा की कहानी बताई। सीता ने बताया कि उसके ससुराल वाले बेटा न पैदा होने से उसे लगातार पीटते हैं, तमाम तरह की प्रताड़ना देते हैं। ससुराल के दरिंदों ने सीता से कहा कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो तो हमारे साथ रह सकती हो। ऐसे में एक माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। सीता की बड़ी बेटी जहां 6 साल की, वहीं 15 दिन पहले ही उसने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया है। सीता ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मदद की गुहार लगाई और कहा कि मेरा पति कह रहा है कि जिस बच्ची ने जन्म लिया है उसे मार डाल, तभी घर आने देंगे। बच्ची की मां ने बताया कि इसके पहले जांच करवाने पर बच्ची होने पर उसे मार दिया गया। मैं अपनी ससुराल में एक कमरे में पड़े रहकर अपनी 3 बच्चियों को पाल रही थी। तीसरी बार बच्ची होने पर गुस्साए पति और घर के सदस्यों ने मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। हम अपने घर वालों से परेशान हैं और पुलिस से हम बहुत मदद मांगा, लेकिन पुलिस का जो मदद नहीं कर पा। हमें 1 साल से पहले भटका भटका 3 बच्ची हो गई हमारी, सो हमारे घर वाली मार पीट के मार मार के बाहर निकाले। अब भी हो गई कि माए के माए में एक दूसरे राह खेले हैं। आज मार पीट के सब जन माने के लाल साहू ससुर ने और जेठ ने, जगदीश साहू ने और देव महन साहू, आज पति पुष्पेन साहू और सास ससुर सब ने मारे और माए के बाहर निकाला कि नहीं रान देना हमारे आगे, हमें अपने घर में रहने। पहली बच्ची होने के बाद से ही सीता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का सिलसिला चल रहा था। पुलिस तक भी मामला पहुंचा, लेकिन पीड़िता की मदद पुलिस ने भी नहीं की। इस बार जब सीता ससुराल पक्ष की बेरहमी का शिकार हुई तो उसने फिर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। इन लोगों का विवाद पहले से चल रहा है और पूर्व TI विनायक शुक्ला ने भी इनका विवाद हल करवाया था। पुनः विवाद इन लोगों का आपस में मियां बीवी परिवार से है। इनको थाने को बोला है, जो भी कार्रवाई हो वैधानिक वो कार्रवाई करें। अब ये तो पारिवारिक मैटर चल रहा, बच्ची अभी पैदा हुई 15 दिन पहले, जैसा कि आपके सामने का मैटर पुराना चल रहा है, तो ये ऐसी बात तो नहीं है। देरी रोड निवासी सीता पत्नी पुष्पेंद्र साहू अपने ससुराल पक्ष से बेहद परेशान रही।
महिला का आरोप है कि 15 दिन पहले उसने तीसरी बच्ची को जन्म दिया तो पति सहित सास ससुर व अन्य सदस्यों ने उसे घर से भगा दिया। सीता के मुताबिक उसके ससुर मानिकलाल, जेठ जगदीश, जेठानी नीतू, पति पुष्पेंद्र सहित सास और देवर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह पीड़िता से मिलने सिविल लाइन थाने पहुंचे। पीड़िता सीता साहू की फोन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कराई गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीता साहू की बात सुनने के बाद उसे आश्वासन दिया कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से बात करता हूँ। हम बहुत परेशान है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। बच्ची भाई सो हम क्या करूँ के लाला साहब बता। नहीं, कहते मारो ही मार के मैं दो सो। हम ऐसा करते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं, हम भी मदद करेंगे और परिवार से भी बात करते हैं आपके। जी भी कहेंगे कैसा मत करो। गाँव कौन सा है बेटी आपका? छतरपुर। छतरपुर प्रॉपर से? जी सर। ठीक है, अभी बात करते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने शिवराज सिंह चौहान से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल लिया, हमारी तीन बच्ची हुई तो हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे पूरी मदद करेंगे हम तुम्हारी, पूरे प्रशासन से हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे, तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे, सब कुछ बच्ची पालेंगे तुम्हारी, तुम्हें खाने पूरी मदद करेंगे पूरे प्रशासन से। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एक्टिव होते ही छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह थाने पहुंचे। उन्होंने सीएसपी उमेश शुक्ला की मौजूदगी में महिला की समस्या सुनी और परिवार के लोगों को मौके पर बुलाया। लगभग 3 घंटे तक चली समझाइश के बाद महिला को उसके पति के साथ ससुराल भेजा गया। बीजेपी और बजरंग दल पर बयान देकर दिग्विजय सिंह चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अब तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बीजेपी और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम और गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम बंसल ने कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, यह हिंदुस्तान है, यहां सभी धर्म एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में साध्वी के हाथों हार झेलने के बाद भी शायद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समझ में नहीं आ रहा। दिग्विजय सिंह लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा लेती है और उससे आगे बढ़कर उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान और आईएसआई को जो मदद करते हैं वो गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। ये इनका पाकिस्तान प्रेम, ये हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी से और इस देश की जनता से माफी नहीं मांगी तो हर चौराहे पर आपका पुतला जलाया जाएगा। शाजापुर शहर के बीच से निकली चीलर नदी में बहते पानी के बीच अचानक विस्फोट होने लगे। करीब 40 सेकंड में 10 से ज्यादा विस्फोट ने पानी के साथ ही धुआं भी उठा। धमाकों की आवाज 150 मीटर तक सुनाई दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम के चलते लोग असमंजस में पड़ गए, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यह पूरा घटनाक्रम पास ही स्थित एक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया है। इस समय चीलर नदी से बारिश का पानी बह रहा है। इसी दौरान शहर के मध्य में स्थित महुपुरा रपट पर बीती शाम विस्फोट होना शुरू हो गया। इस दौरान ब्रिज से गुजर रहे लोग अचानक हुई इस घटना से अचंभित हो गए। लोग इसे भूकंप सहित अन्य भूवर्गीय घटना से जोड़कर देखने लगे हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, हालांकि जब तक विस्फोट होना बंद हो गए थे। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल को देखा तथा समीप ही स्थित समाज सेवी कैलाश सेन से प्रतिष्ठान पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखे, जिसमें विस्फोट साफ नजर आ रहे हैं। वहीं एक विस्फोट के जमीन के समीप होने की आशंका पर वहां की मिट्टी भी जांच के लिए प्रशासन के लोग लेकर गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वैज्ञानिकों से भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रही है। इंदौर में गणेश उत्सव की धूम है। आज सुबह सबसे पहले नाश्ते गाते विद्यार्थी सड़कों पर निकले और गणपति बाप्पा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और उनकी स्थापना की।
खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन हुआ। यूनिवर्सिटी कैंप के सभी स्टूडेंट ने बप्पा का स्वागत नाच गाकर किया। यहां अलग अलग डिपार्टमेंट में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स में गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सभी स्टूडेंट गणेश उत्सव के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुंचे और नाचते गाते गणपति बाप्पा को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे। पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ सैकड़ों लोगों ने पर्यावरण मित्र गणेश प्रतिमाओं का खुद निर्माण किया और उनकी पूजा के लिए स्थापना की। सिंधु सेना एवं सिंधी पंचायत ने ग्रीन गणेश अभियान के तहत यह योजना आयोजन किया। इस बार सिंधु सेना एवं सिंधी पंचायत ने निशुल्क ग्रीन गणेश अभियान चलाया। इसमें पहले लोगों को पर्यामित्र गणेश मूर्ति के निर्माण का प्रशिक्षण दिया और फिर इन सभी लोगों ने मिट्टी की श्री गणेश प्रतिमाएं बनाई। प्रकृति का ये संदेश, मिट्टी के हो श्री गणेश वाक्य को चरितार्थ करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपने हाथों से पर्यामित्र गणेश जी बनाए। गणेश जी के निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी इंदौर से मंगाई गई। साथ ही संस्था द्वारा निर्माण में होने वाली समस्त सामग्री एवं प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाई। ग्रीन गणेश अभियान 2019 के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए हमने यहाँ पर मिट्टी के गणेश जी का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। अपन विसर्जन करें ताकि पर्यावरण से मुक्ति मिल सके, तो इसको बचाने के लिए छोटा सा प्रयास हमारी संस्था द्वारा किया गया। यहाँ पर निशुल्क हमने व्यवस्था की गई मिट्टी की व्यवस्था, सभी चीजें सामग्री निशुल्क रही। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें समाज के सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। हरदा में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथियों ने भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उनको याद किया। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जो हुए हैं उनकी जयंती यहाँ रक्तदान के द्वारा मनाई गई है। हम लगातार 4 वर्षों से यहाँ रक्तदान करते आ रहे हैं और उसी माध्यम से रक्तदान जीवनदान इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान लगभग सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गुर्जर मनोज बागरे, प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव पटेल और प्रदेश संगठन मंत्री दीपक चौधरी सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। पूर्व विधायक के आयोजन की सराहना की गई और कहा कि सम्राट मिहिर भोजन महान की जयंती के मौके पर रक्तदान जैसे आयोजन से समाज का मनोबल बढ़ता है। आज इंटरनेशनल गुर्जर डे है, ये 10वां आयोजन है। इसमें ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ सब लोग करते हैं, उसी के अंतर्गत आज ब्लड डोनेशन का अस्पताल भी आए हैं। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में अतिक्रमण अमले ने दुकानदारों की दुकान तोड़कर सामान जब्त कर लिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों ने विरोध जताते हुए कहा कि प्रशासन ने पूर्व में बिना कोई नोटिस दिए हमारी दुकानें तोड़ी हैं और सामान उठा कर ले गए हैं। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब अचानक पहुंचे अतिक्रमण अमले ने दुकानदारों की दुकानें तोड़ना शुरू कर दी और अतिक्रमण में तोड़ी दुकानों का सामान जब्त कर ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों के अमले की कार्यवाही का विरोध किया जिससे विवाद की स्थिति बन गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन विवाद फिर भी शांत नहीं हुआ। तब राजनगर SDM मौके पर पहुंचे और मामले को देखते हुए अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी। SDM ने कहा कि दुकानदार अतिक्रमण यहां से स्वयं हटा ले, नहीं तो प्रशासन कार्यवाही करेगा। ऐसी बनाई थी, आपसे बताया भाई साहब कि रानी साहब ने पाइप लगवा दिए थे, फ्रेम बनवा दिया था दुकानों पर, एक एक दुकान, एक एक लोग, कोई भी मतलब जिसको चाहिए एक बेहतरी ले लो, एक बेहतरी ले लो। तो हम लोगों ने कहा हजूर हमें दुकान दे दी जाए तो हम लोग धंधा करेंगे, कुछ कट्टा लगा के। किसी ने नहीं बताया, सहारा में ऑफर बटा रहे वहाँ देखते लोगों ने, नगर पंचायत के सब इसी पर और नगर पंचायत के अधिकारी। वहीं दूसरी ओर दुकानदार ने आरोप लगाया कि उन्हें अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते ने पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया और आज अचानक अतिक्रमण हटाने लगे, उनकी दुकानें तोड़ दी गई और सामान उठा कर ले गए। ये क्योंकि अभी खजुराहो में जगह जगह पे अतिक्रमण हुआ है, जनरली जब कार्रवाई होती नहीं है तब 2-3 महीने में अतिक्रमण हो जाता है। ये अतिक्रमण होने के बाद पिछले 8 दिनों से नगर पंचायत द्वारा
लगातार इनको नोटिस दिया हिदायत दी जा रही थी और गाड़ी के द्वारा भी बताया जा रहा था कि यहाँ से अतिक्रमण हटा दें। इसीलिए हमने यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू की है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि नगर परिषद से इनके पास परमिशन थी, क्योंकि इनका ये कहना है कि परमिशन थी तो हमने इनको समय दिया है कि ठीक है, अगर परमिशन है तो आप परमिशन दिखा दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से भी फिर से 7 दिन का समय देते हैं, 7 दिन में आप शासन की जगह खाली कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भरण समाचार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।